नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हमारे पास लॉन्च हो चुकी है किया सोनेट। अब किया सोनेट की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में ये सितंबर के अंदर पहली बार मतलब अनवील हुई थी और आज फाइनली इसका फेसलिफ्ट भी हमारे सामने आ चुका है। और अगर बात करता हूँ गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हैं, फ्रंट में आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छा खासा चेंजेस अपने को देखने के लिए मिला है। और सोनेट के अंदर इस बार काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी भी हमें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर अपने को अडाप्ट भी मिलने वाला है, इसके अंदर अपने को ऑल फोर डिस्क ब्रेक मिलेंगे, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ऐसी वीडियो लेके हम आते रहते हैं। ज़्यादा समय खराब ना करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं किया सोनेट की। ओके, जो तो बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट आप देख सकते हो काफी एग्रेसिव इस बार किया सोनेट का फ्रंट अपने को मिलने वाला है। सबसे पहले ही बात करते हैं यहाँ पे गाड़ी की डीआरएल की। डीआरएल आप देख सकते हो काफी बड़ी कर दी गई है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ ऐसे आती थी, लेकिन अब नीचे की तरफ सारी कवर हो चुकी है। अपने को यहाँ पे जो क्राउन जॉल एलईडी हेडलैम्प्स है वो 3 मिलने वाले हैं, पहले 4 आते थे इसके अंदर, लेकिन अब 3 मिल गए हैं। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ ग्रिल के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं, यहाँ पे छोटे छोटे इंसर्ट अपने को मिल जाते हैं। प्लस अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव लुक कर दिया गया है इस बार सोनेट का। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं, अपने को 4 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलेंगे बाय द वे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा चेंज मिला है डिज़ाइन के अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर अपने को एडाज का कैमरा मिल जाता है, ये आप देख सकते हो, और लेवल 1 एडास है ये। यहाँ पर रडार अपने को देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी वो जब एक बार ड्राइव करेंगे इस गाड़ी को वो चीज़ें भी हम बता देंगे एडास के बारे में। फिलहाल अब चेंजेस की और बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिल के अंदर पहले अपने को यहाँ पे नर्लिंग पैटर्न मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे अपने को लाइंस देखने के लिए मिल जाती हैं। फ्रंट के बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर इंजन की, तो इंजन आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर खड़ा है टर्बो GDI खड़ा हुआ है। 1 लीटर आपको 3 सिलेंडर पेट्रोल मिलने वाला है। जिसकी पावर की बात करता हूँ तो पावर प्रोड्यूस करता है ये 120 PS की, और टॉर्क इसके अंदर 172 Nm का मिल जाएगा। हमें यहाँ पर 3 इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। टर्बो मैंने बता दिया है, 1.2 लीटर का इसके अंदर अपने को नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर मिलता है, और यहाँ पर डीजल भी देखने के लिए मिलेगा जो कि 4 सिलेंडर रहेगा ऑब्वियसली 1.5 लीटर का, जो हमें सेल्टोस के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। सेम इंजन देखने के लिए मिलेगा VGT। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जैसे टर्बो खड़ा हुआ है, इसके नीचे इंसुलेशन नहीं है, यहाँ पर ये कह सकते हो कॉस्ट कटिंग कर दी है किया ने, लेकिन ठीक है वो देखेंगे एक बार चलाने के बाद। लेकिन इंजन वैसे सेम है, मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कोई डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये हुई बात इंजन की। अब बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के टायर प्रोफाइल की। तो टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो 215/60R16 का यहाँ पे टायर प्रोफाइल मिलने वाला है। और ये जो अलॉय है, ये अलॉय आपने पहले देखा होगा एक्स लाइन के अंदर, लेकिन अब ये हमें GT लाइन के अंदर भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो काफी अच्छा लुक यहाँ पे मिलता है, ड्यूल टोन अलॉय यहाँ पे अपने को मिल जाता है। प्लस सोनेट की सबसे ही अच्छी बात क्या है, ये जो क्लाइडिंग है ये आप देख सकते हो सोनेट को काफी अच्छा SUV वाला लुक दे देती है ये क्लाइडिंग, तो ये भी काफी अच्छी चीज है बाय द वे। और अगर मैं बात करता हूँ ये जो कलर है ये इंटेंस रेड है, जो प्रीवियस सोनेट में भी आता था। और ये वाला जो देख सकते हो ये अपना ड्यूल टोन के अंदर आती है, अरोरा ब्लैक पर्ल है ये ऊपर, और नीचे अपने को यहाँ पे इंटेंस रेड देखने के लिए मिल जाता है। किया GT लाइन खड़ी है, टॉप वेरियंट का प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर अभी भी किया ने एक कमी छोड़ दी, वो क्या है, वाइपर्स की। यार वाइपर्स अपग्रेड करने चाहिए थे किया को, क्योंकि कंपटीशन की बात करता हूँ तो टाटा नेक्सन के अंदर काफ़ी अपग्रेडेड वाइपर्स अब यहाँ पर आते हैं और काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं वो, जो कि सोनेट में अभी भी मिसिंग रहने वाले हैं। तो आई विश ये होना चाहिए था। तो ये आप देख सकते हो सब 4 मीटर में ये गाड़ी आती है। आपके अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ 3995 आई बिलीव इसकी लेंथ है, और यहाँ पर ड्यूल टोन कलर है ही, लेकिन उसके साथ साथ अपने को यहाँ पे ये आप देख सकते हो भाई, अपने को यहाँ पे रूफ रेल भी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाती है। सनरूफ ऑब्वियसली सेम साइज रहने वाला है एज प्रीवियस वाली। ए पिलर की बात करता हूँ, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है, ऑब्वियसली बॉडी कलर नहीं है यहाँ पर, जो रूफ का कलर है उसके साथ मिलेगा। यहाँ पर ORVM भी अपने को ब्लैक कलर के अंदर मिल जाते हैं ड्यूल टोन के अंदर बेसिकली। और अगर मैं बात करता हूँ बी पिलर की, मैट ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे इस्तेमाल मिल जाता है। सी पिलर की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल देखने के लिए मिल जाता है। फ्यूल टैंक 45 लीटर का ऑब्वियसली अपने को मिलेगा।
अब यहाँ पर एक चेंज है, क्या है, जैसे GT लाइन के अंदर अपने को ऑल फोर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलने वाले हैं, ये HTX ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, HTE, HTK, HTK प्लस तक आपको फ्रंट डिस्क रियर ड्रम देखने के लिए मिलेंगे, बट HTX से अपने को ऑल फोर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ही मैं डोर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर अपने को जो देखने के लिए मिलता है भाई, यहाँ पे ड्यूल टोन का इस्तेमाल मिल जाता है, ये आप देख सकते हो, व्हाइट कलर का इस्तेमाल मिल जाता है GT लाइन के अंदर ब्लैक के साथ। कर्टन अपने को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो पहले भी प्रीवियस सेल्टोस में देखने के लिए मिलता था। बोस के यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं, बॉटल होल्डर यहाँ पर मिल गया है अपने को, और ये आप देख सकते हो। बाकी अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल, बात करते हैं यहाँ पे रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल आप देख सकते हो कुछ इस तरह मिलने वाली है। रियर प्रोफाइल के अंदर भी काफी सारे चेंजेस हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर शार्क फिन एंटीना मिलता है जिसके अंदर थोड़ा सा अब कर्व आ गया है। दूसरा यहाँ पे स्पॉइलर में भी चेंज है, और यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, ESS फीचर के साथ मिलता है, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ये तो चीज है ही है। साथ में अपने को कनेक्टेड लाइट मिल जाती है, और जो कि काफी अच्छा लुक देती है, बहुत ही प्यारा लुक दे रही है। इवन यहाँ देख सकते हो जो ये गाड़ी है, द वाइल्ड इसको बोलते हैं, और वाइल्ड ही यहाँ पे टीज की तरह दिखाया हुआ है। टेल लैंप के अंदर किया की बैजिंग मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, वो भी बताता हूँ मैं। सोनेट की बैजिंग पहले देख लो यहाँ पर, अब क्या मिसिंग है यहाँ पे, ये चीज, ये पहले ऊपर आती थी जिसको रिप्लेस किया है, अब नीचे यहाँ पे बैक कैमरा आपको दे दिया गया है। एक और चीज हटाई गई है यहाँ से, और वो चीज लाई गई है यहाँ पर, ये है रिवर्स लाइट्स, जो कि आपको अब नीचे की तरफ मिलेगी। आई विश ये ऊपर ही रहती तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि ऊपर की तरफ विजिबिलिटी ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू नीचे की तरफ। चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, बीच में काफी गैप है, लेकिन काफी पास पास है ये, वो देखने पे रियल लाइफ में पता लगेगा कि कैसा ये परफॉर्म करते हैं। रिफ्लेक्टर नीचे की तरफ मिल जाते हैं, ये वाला पोर्शन भी काफी चेंज कर दिया गया है। बाकी जब हम बूट को ओपन करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है 385 लीटर का बूट स्पेस, जो कि पहले 392 था, यहाँ पर बूट स्पेस कम कर दिया गया है, आप देख सकते हो कम कर दिया गया है, वो रियल लाइफ में देखेंगे कैसा है। अपने को स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो एक साइज छोटा मिलता है, 195/65 R16 यहाँ पे अपने को स्पेयर व्हील मिलने वाला है, लगेज लैंप वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन अब एक चीज और ऐड हो गई है यहाँ पे, वो क्या है, वो है ये 60-40 स्प्लिट रियर सीट, जो सोनेट में मिस थी और बहुत से लोगों की कंप्लेंट थी ये आनी चाहिए, वो चीज अब आ गई है यहाँ पर। तो ये भी एक अच्छी चीज है, चेंज आया है। अब क्या सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा वो तो एक बार देखने लायक बात रहेगी, क्योंकि सोनेट बहुत बिक चुकी है, और जिस सेगमेंट में सोनेट एक टाइम पे आई थी वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम था, लेकिन आज की डेट में कंपटीशन अब बहुत नेक्स्ट लेवल चला गया। नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आ चुका है, अपना ब्रेजा भी फेसलिफ्ट आ चुकी है, सोनेट अब फेसलिफ्ट लाया है। वेल देखते हैं, अभी हम आ चुके हैं इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर आप देख सकते हो कंप्लीट ब्लैक्ड आउट अपने को मिलने वाला है, और यहाँ पर सीट की बात करते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल प्लस मैनुअल है। मैनुअल कैसे, अपने को अगर जो सीट हाइट एडजस्ट करनी है सो आप ऐसे करोगे, ठीक है, मतलब मैनुअली करोगे बेसिकली। आगे करनी है इलेक्ट्रिकल होगी, और आपको टिल्ट करनी है तो वो भी इलेक्ट्रिकल होगी, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब यहाँ से जो लीवर होता था वो अब यहाँ से गायब हो गया है, इलेक्ट्रिकल आप करेंगे। बाकी अगर मैं बात करता हूँ इस डोर की, तो डोर आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को ट्विटर मिलता है, अपने को स्पीकर मिल गया, बॉस की बैजिंग यहाँ पे मिलने वाली है। कंट्रोल्स की बात करते हैं तो ऑल फोर पावर विंडो, विंडो लॉक अनलॉक, गाड़ी लॉक अनलॉक, ठीक है जी। और ये आपके ORVM के कंट्रोल्स हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल के। यहाँ पर इन कंट्रोल्स की बात करें, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, पार्किंग सेंसर्स आइडियल के लिए, और ये हेडलैम्प लेवल करने के लिए। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन अपने को यहाँ पे मिल जाता है। स्टेयरिंग की बात करें, टिल्टेबल स्टेयरिंग है, लेकिन किया ने अभी भी इसके अंदर टेलीस्कोपिक नहीं ऐड किया है, वो एक डिसअपॉइंटमेंट है, करना चाहिए था किया को ऐड। बाकी अगर बात करते हैं ये इंडिकेटर्स के लिए, वाइपर्स कंट्रोल अपने को यहाँ पर मिल जाते हैं। स्टेयरिंग की बात करते हैं तो ये अपने को यहाँ पर डी कट स्टेयरिंग मिल जाता है GT लाइन की बैजिंग के साथ, और ये कंप्लीट अपना मतलब स्टिचिंग के साथ आया था, लेदराइट स्टेयरिंग है। फिट एंड फिनिश किया हमेशा दिल जीत लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छी फिट एंड फिनिश अपने को मिलने वाली है। बीच में किया की बैजिंग मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल या ये कहो एडाज के कंट्रोल अपने को यहाँ पर मिल जाते हैं राइट हैंड पे। अब अगर बात करें लेफ्ट हैंड पे, अपने को यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाते हैं, कॉल पिक कर सकते हो, कट कर सकते हो, पेडल शिफ्टर्स हैं क्योंकि गाड़ी DCT और AT का ऑप्शन आता है, डीजल AT और पेट्रोल DCT, तो यहाँ पे अपने को पेडल शिफ्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। IRVM जो मिलता है अपने को इलेक्ट्रिकल मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर अब बात करते हैं मेन चेंजेस की, मेन चेंजेस क्या है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर अपने को मिल गया है 360 कैमरा, जो कि मजबूरी बन गई थी किया की देना, ऑब्वियसली
क्योंकि कंपटीशन के अंदर अब हर ब्रांड 360 व्यू कैमरा दे रहा है सब 4 मीटर SUV के अंदर, और जिसको आप 3D 2D के थ्रू आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो ये टच है अपने को हैप्टिक टच मिलने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर भी चेंजेस हैं। यहाँ पर चेंजेस क्या हैं, जैसे फैन की स्पीड करनी है तो अपने को यहाँ पे अप एंड डाउन बटन्स मिल जाते हैं, पहले बटन्स मिल ये वाले, इवन अगर मैं बात करता हूँ वेंटिलेट सीट्स के बटन्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन वगैरह मिल जाते हैं, मोड्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये 360 व्यू कैमरे का बटन मिल जाता है, इसको दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी। और अपने को यहाँ पर एक चेंज और मिल जाता है, ये क्या है भाई, ये टच तो नहीं है लेकिन 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 ये अपना कंप्लीट डिजिटल इसके अंदर आ गया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और ये कंप्लीट चेंज हो जाता है। मोड्स वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन की बात करते हैं स्नो, मड, सैंड यहाँ पे अपने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर अपने को वायरलेस चार्जर मिलने वाला है, 12 वॉट का सॉकेट मिल जाता है, USB और यहाँ पर अपने को टाइप सी का भी इस्तेमाल मिल जाता है। यहाँ पर गियर लीवर प्रीवियस वाले ही, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। यहाँ एक चेंज बहुत अच्छा मिल जाता है, वो है यहाँ पर कीज़ का भाई। कीज़ अपने को अब सेल्टोस जैसी या ये कहो कि या EV6 जैसी मिलने वाली है, जिसके अंदर साइड में कंट्रोल मिलते हैं, वही ट्रेडिशनल कंट्रोल मिलते हैं अपने को यहाँ पे, जैसे लॉक अनलॉक, इंजन स्टार्ट स्टॉप और बूट अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। मैनुअल की निकालने के लिए तो भाई अपने को यहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। इसको आप क्लोज़ करेंगे, यहाँ पर 2 कप होल्डर है और ये आप फ़ोन रख सकते हो, कार्ड रख सकते हो, उसके लिए स्पेस मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर जैसे ही हम ओपन करते हैं हैंडरेस्ट को, और हैंडरेस्ट में स्पेस तो ज़्यादा नहीं है लेकिन अपने को ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। उसी के नीचे एयर प्यूरीफायर है जो कि अब टच के साथ आ जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और है, गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स अपने को मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, सीट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो लेबल मिल जाता है और अपने को कर्टन एयरबैग मिल जाते हैं, ये अच्छी बात है। ग्लोव बॉक्स साइज सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर इंटीरियर में थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग में चेंज किया है, वेंट का साइज सेम रहने वाला है लेकिन डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। अपने को सनग्लास होल्डर और यहाँ पे वैनिटी मिरर का साइज़ बड़ा कर जाएगा, सनरूफ सेम साइज़ होने वाली है, ठीक है जी। तो ये इंटीरियर है। अब ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड की तो बात हो गई, अब चलते हैं पैसेंजर साइड में, लेट्स गो गाइस। हम आ चुके हैं रियर सीट के ऊपर, रियर सीट आप देख सकते हो कुछ इस तरह है। यहाँ पर सोलिड के अंदर पहले क्या था कि थाई सपोर्ट का काफ़ी मतलब इशू था, और जो कि अभी भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ अच्छी कर दी गई है, ये आप देख सकते हो स्कूप्ड आउट कर दिया है इस चीज़ को, ताकि आपको लेग रूम ज़्यादा मिल सके। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डोर की, तो डोर पे आप देख सकते हो ट्रीटमेंट आपको वाइट कलर का मिलने वाला है। सेल्टोस में हमें देखने के लिए मिलता है, फेस लिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अपने को ये आप देख सकते हो बॉस के प्रीमियम सराउंड सिस्टम मिल जाता है, कर्टन मैंने पीछे दिखाई देता है। एक चीज़ मैं भूल गया था आपको, ग्राउंड क्लियरेंस बताना, तो इसके अंदर अपने को 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो सेकंड हाईएस्ट आप कह सकते हो सेगमेंट के अंदर, क्योंकि 209 नेक्सॉन के अंदर आती है, फिर इसके अंदर आती है और इसके बाद फिर आती रहती है जिसकी भी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इंटीरियर में, अपने को यहाँ पे टच मिल जाता है एयर प्योरीफायर के अंदर, आप देख सकते हो जैसे ही मैं यहाँ पर दबाता हूँ तो एयर प्योरीफायर बंद हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे AC वेंट्स कुछ इस तरह है। नीचे अपने को टाइप सी चार्जर मिलने वाले हैं, 2 चार्जर मिलेंगे बेसिकली टाइप सी के साथ, स्पेस मिल जाता है फ़ोन रखने के लिए। और अगर मैं बात करता हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ पर कंप्लीट ब्लैक मिल जाता है, ये आप देख सकते हो इंटीरियर है कंप्लीट ब्लैक है। यहाँ पर थोड़ा सा कर्व दे दिया है हेड रूम को एनहेंस करने के लिए, जो कि कामयाब भी हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है सोनेट के अंदर। एक डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ सोनेट के अंदर कि थर्ड हेडरेस्ट मिसिंग है यहाँ पे। पहले सोनेट के अंदर 3 आते थे, जो कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मिलेंगे यहाँ पर मुझे। बीच वाले के लिए दोबारा गायब कर दिया था, पहले नहीं आता था, बीच में दिया था लेकिन अब दोबारा गायब कर दिया है। अब क्या दे दिया है, यहाँ पर हैंड रेस्ट मुझे दे दिया गया है, और यहाँ पे 2 कप होल्डर का भी इस्तेमाल देखने के लिए मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो। इसको बंद कर सकते हो कुछ इस तरह, और यहाँ पर इसको ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अपने को यहाँ रेगुलर ही मिलने वाली है पीछे भी जो केबिन लाइट है। आई विश ये LED होती तो ज़्यादा मज़ा होता, लेकिन ठीक है अपने को रेगुलर ही दी है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंग्रेस और एग्रेस की। जैसे मैं उतरता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अगर चढ़ता हूँ इस गाड़ी में बैठता हूँ आराम से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ सकता हूँ, आराम से उतर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली है। किया सोनेट फेस लिफ्ट 2024 के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ अपनी प्रेजेंटेशन रही। प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस अभी लॉन्च नहीं हुआ है गाड़ी का,
लेकिन 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 करंट कार है जो सोनेट अभी करंट है फेसलिफ्ट से पहले वाली, तो उसमें अभी जो प्राइसिंग आती है वो आती है 13,80,000 रुपये। और जहाँ तक मुझे लगता है इसका प्राइस जो हाइक रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 या 20,000 का रहेगा, इससे ज़्यादा हाइक नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन भी देखना है। टाटा नेक्सॉन काफ़ी अच्छा कंपटीशन है और उसके अंदर भी सारे फीचर आते हैं जो अभी सोनेट ने अब दिए हैं। ठीक है जी, बाकी ये थी एक वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय गाइस।